वर्ष की दी शुभकामनाएं। ग्लोबल वार्मिंग आतंकवाद से मुक्ति मिलने की दुआ की। शौचालय बनाने के लिए एमपी के दिलीप सिंह को सराहा। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट अप इंडिया का एक्शन प्लान 16 जनवरी को होगा लॉन्च। विकलांगों के लिए दिया नया शब्द, लोगों से अपील की विकलांग नहीं दिव्यांग का करें इस्तेमाल। ऐप पर मांगे सुझाव। 24 घंटे में 3 वारदातों से सहमा बिहार। रोहतास दरभंगा में हत्याकांड से हाहाकार। सीतामढ़ी में डॉक्टर के क्लिनिक पर की गई गोलीबारी। विरोधियों ने कहा आ गया जंगल राज। यूपी में कहीं फायरिंग तो कहीं भिड़े पार्षद। मेरठ में गोली मारकर महिला की हत्या, तो बुलंदशहर में नगर पालिका बैठक में चले लात घूंसे। मारपीट में 2 सभासदों सहित 5 लोग घायल। दिल्ली में सम विषम फॉर्मूले का आज टेस्ट रन। ट्रायल के लिए सड़क पर 6000 अतिरिक्त बसे, लेकिन 10000 ऑटो उतारने के प्लान को लगा धक्का। धांधली के बाद बड़ी मुश्किल। अखंड भारत वाले बयान पर माधव कोसंग ने नकारा। एमजी वैद्य ने कहा भारत पाक और बांग्लादेश नहीं हो सकते एक। विपक्ष ने माधव के बयान को प्रोपेगेंडा करार दिया। पीएम के लाहौर दौरे पर पाक के विदेश मामलों के सलाहकार सरदार अजीज का बयान। कहा वार्ता से ना रखी जाए ज्यादा उम्मीदें। 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होनी है भारत पाक सचिव स्तर की वार्ता। और 50 साल का हुआ बॉलीवुड का भाईजान चहेते स्टार को फैंस ने दी ढेरों शुभकामनाएं। पनवेल में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने मनाया जश्न। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश 2016 ग्रहों का धमाल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, गुड लक बॉक्स देख रहे हैं आप किस प्रकार हर दिन एक बॉक्स खुल रहा है और इसमें कुछ ऐसी चीजें हम दिलवा रहे हैं आपसे जिन्हें अपनाने से आपका एक हर दिन एक खास सपना साकार हो रहा है। जो इसका विस्तार से प्रयोग होगा वो तो नए वर्ष में ही हम आपको बताएंगे, लेकिन सामग्री क्या कुछ इसमें आपको रखनी है ये हम आपको बता रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि आचार्य जी परिवार एक सही दिशा में तभी चलता है जब उसका सही से निर्माण हो, और खास तौर पर परिवार के हर सदस्य की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। माता पिता जो हैं कहीं ना कहीं अपने संतान के भविष्य के बारे में काफी चीजें सोचते हैं, और संतान जो है उम्मीद करते हैं कि जो उनके माता पिता ने उनसे उम्मीदें की हुई हैं उन पर वो खरा उतरे। यानी कि माता पिता संतान पर ज्यादा ध्यान देती है और संतान भी ये ध्यान रखती है कि उनकी माता पिता की क्या अपेक्षाएं हैं उनसे। लेकिन आचार्य जी जानना चाहेंगे कि क्या वजह हो जाती है कि हम कई बार जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देते हैं, बच्चे माता पिता पर ध्यान नहीं देते और माता पिता भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्या वजह हो जाती है? सबसे पहले कहूंगा कि एक तो ग्रहों के वजह होती है कि जब हमारे ग्रह हमारी कुंडली के अनुकूल नहीं होते हैं, जब हमारे ग्रह मार्गी हो जाते हैं, बकरी हो जाते हैं, तो उस दौरान सम और विषम परिस्थितियां आ जाती है कि माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चे भी कहीं ना कहीं माता पिता से दूर होने लगते हैं।
यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो ये जो गुडलक बॉक्स है इस पे ये जो विधियां कराई जा रही है, आगे हम बताने वाले हैं कि क्या क्या विधि करनी होगी, किस तरह से करना चाहिए जिससे हमारा ये 2016 है वो हमारे लिए लाभकारी रहे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस दौरान 2015 की, तो ये कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के लिए एक संघर्षपूर्ण स्थिति बना के लाया। जीवन में काफी सारे 2015 में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, तो ये तमाम बाधाएं हमारी किस तरह से दूर हों, आगे हम गुडलक बॉक्स में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, तो किन कारणों की वजह से आप जिम्मेदारियों से भागते हैं और दूरियां जो है बढ़ जाती हैं, दूरियों को दूर करेंगे और नजदीकियां बढ़ाएंगे, परिवार में प्यार बढ़ेगा, आपसे तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, लेकिन इसके लिए आपको गुडलक का सहारा, गुडलक बॉक्स का सहारा लेना होगा। बताएंगे क्या कुछ करें आप प्रयोग, पर उससे पहले बात करेंगे और आप सबको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, स्वाहा सदा नमोस्तुते। माँ भगवती की आराधना करते कि हे माँ भगवती जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, हमारे जीवन के जो रोग दुख भय बाधा हैं इनसे हमें मुक्ति दे करके हमें निरोग का आशीर्वाद प्रदान करें। जी जी हाँ, और चलिए अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि 2016 में वो कौन कौन से महीने होंगे जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए अशुभ रहेंगे, यानी कि आपके बीच की जो एक अच्छा तालमेल होना चाहिए माता पिता और संतान के बीच में वो अच्छा नहीं बैठ पाएगा, किन किन महीनों में ऐसा होगा, आइए आपको बताते हैं। जी बात करते हैं हम 2016 की, जिसमें से ये चार महीने होंगे अप्रैल जुलाई सितंबर और नवंबर, ये जो चार महीने होंगे कहीं ना कहीं ये परिवार से एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न आपको करेंगे, चाहे माता पिता दूर हों या संतान की दूरियां बनेंगी। यदि ऐसा ना हो इसके लिए आप चाहते हैं तो आप इस गुडलक बॉक्स का आप सहारा ले सकते हैं। और यह गुडलक बॉक्स नहीं, एक किस्मत का कनेक्शन, किस्मत का बॉक्स है जो हम ये विधि करवा रहे हैं। यदि आपने इस विधि को प्रॉपर तरीके से कर लिया तो परमात्मा की दया से दिन और दिशा दोनों बदल जाएंगे, परंतु इसे श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ में करने की आवश्यकता होती है और तभी जाकर के हमारे जीवन में एक बदलाव आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है। तो ये जो गुडलक बॉक्स है ये वास्तव में आपकी किस्मत की एक चाबी है और आपके लिए एक ऊपर वाले का गिफ्ट है। इसे आप प्रॉपर विधि से करिए, आप देखिए किस तरह से बदलाव आता है। जी हाँ, विधि आज आपको बताई जा रही है, सही विधि आपको अपनानी है और उसके बाद 2016 में इसका कमाल आप देख पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको जो है बात कर लेते हैं। दिल्ली से सुनीता जुड़ी है, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछे आप। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैं आचार्य, नमस्कार। जय माँ भगवती जी। मेरा नाम सुनीता है, मैं भवाना से बोल रही हूँ, दिल्ली से। जी। और मैं अपने बेटे की कुंडली के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी। मेरे बेटे का नाम है नकुल। जी। 21 मार्च 2006। और समय? समय है मैम 8:10 से 8:15 के बीच में सुबह का टाइम है। और स्थान? स्थान मैम भवाना। जी मैम, मेरा पहले भी कॉल लगा था एक बार। जी मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ, मैंने अपने बेटे के बारे में ही पूछा था, नकुल के बारे में। जी। तो थोड़ा सा पहली तो मेरे बारे में मेरा ये सवाल है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, अभी तक मेरी लाइफ सेट नहीं हुई है, क्या नौकरी का योग है या नहीं है। जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है मैम, मैंने अपने बेटे के बारे में, नकुल के बारे में ही पूछा था, आचार्य जी ने बताया था सूर्य और राहु का क्या यंत्र बताया था, किस दिन पहनना है और कैसे धागे में पहनना। मैम मेरे को ये दो सवाल जाननी है। जी। मैं यहाँ पर कुंडली जिस तरह से लगी है तो बच्चे की कुंडली है, बच्चे की कुंडली के माध्यम से इनकी माता का जो सुनीता जी का
भविष्य का चित्रण किया जा रहा, तो कहूंगा तृतीयेश में बुध स्वामी बुध हो रहा है, बुध इनका अस्त होकर के बैठा है, जिसके कारण से माता के पेट में और कमर घुटनों इत्यादि में प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके लिए चाहिए कि बुधवार के दिन एक हरे कलर का कपड़ा ले लें और उसमें थोड़ी सी दूर्वा डाल करके और पीली हल्दी और भगवान गणेश जी को बांध के पोटली और अर्पित करें। सेकंड नंबर पे इनके बच्चे का जो बताया गया था कि सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो वह सूर्य ग्रहण दोष मणि होती है, इसको आप गले में इसको धारण करना। ये बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं या रविवार के दिन धारण कर सकते हैं, दो दिनों में से किसी दिन आप धारण करें तो शीघ्र लाभ हो जाएगा। जी जी, इस गुड लक बॉक्स का आज आप सहारा जब लेंगे तो फायदा ये होगा कि आपकी संतान अगर आपको लगता है कि गैर जिम्मेदार है, परवाह नहीं करती है किसी भी चीज की और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से भाग रही है आपकी संतान, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि गुड लक बॉक्स जो है आपकी मदद करेगा आपकी संतान को सही राह पर लाने के लिए। लेकिन आगे बताएं कि क्या क्या सामग्री आपको जो है इसमें इस्तेमाल में लानी है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जानकारी देते हैं कि आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं वो कौन बने हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लकी कॉलर से लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन्हें हम फिर से कॉल लगाएंगे क्योंकि ये हैं आज के हमारे लकी कॉलर और इन्हें हम कॉल जरूर दोबारा लगाएंगे और सबको देंगे भी आगे आप सबका वो सीक्रेट नंबर जिसे आप हर किसी से जो है शेयर नहीं कर सकते, ये पहली शर्त होती है और ऐसा करने से आपका भाग्य भी प्रबल हो जाता है, ये तो आप जानते ही है। और चलिए अब आपको बता ही देते हैं कि वो कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो आपको इस गुड लक बॉक्स में डालनी है ताकि परिवार के बीच में जो दूरियां आई हुई हैं वो दूर हो जाएं। जी हाँ, ये वो गुड लक बॉक्स है। आज क्या विधि आपको करनी है कि एक पान का पत्ता, इलायची, कमल गट्टा और रोली, साथ में इसमें गंगा जल के इस उंगली से, अनामिका उंगली से ऐसे छिड़काव करना है और अपने ईष्ट देवता का जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी आराधना करके इसमें सारी सामग्री आप इस गुड लक बॉक्स में रख देंगे। और सारी सामग्री डालने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, देखिए आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। दिन और दिशा दोनों में 2016 स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा यदि आप इस सही विधि से इस गुड लक बॉक्स की पूजा करते हैं। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे साल 2016 के सितंबर महीने के बारे में और आपको बताएंगे पूरा लेखा जोखा। खास तौर पर 3 ग्रहों की तिकड़ी बन जाएगी सितंबर के महीने में, सूर्य, राहु और चंद्र, जी तीनों मिलकर क्या मचाल जो है उथल पुथल मचाएंगे आपकी जिंदगी में, ये हम आपको कल सुबह 8 बजे बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, आरा सिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका, पूर्वजों को मिलने जुलने
जा पहुंचा मैं भीम बेट का। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में कुत्ते अंदर झांक देखा। हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास विषय पर। हम बात कर रहे हैं उन परिवारों के बारे में जहां पर ऐसा माहौल बन चुका है कि हर सदस्य घर का जो है उखड़ा उखड़ा रहता है। बिल्कुल, बच्चे जो है वो माता पिता की बात नहीं सुनते हैं और माता पिता भी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है परिवार में, आप माता पिता काम में बिजी हैं कि समय नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को, ये भी एक बहुत मुख्य वजह हो जाती है कि आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। लेकिन अब ये जो तालमेल है इसको सही बनाना है और परिवार में प्यार बने, इसके लिए उपाय आपको दिए जा रहे हैं। गुडलक बॉक्स आपकी मदद कर रहा है इसमें और आगे हम बताएंगे कि क्या उपाय और होने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लकी कॉलर से, लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान बताएं। नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। मेरा हस्बैंड के बारे में पूछना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिला है। कहाँ से बात कर रही हैं? जमशेदपुर से। शर्मिला जी, बधाई आपको आज की आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। 26 जून 1970, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है? मेरे हस्बैंड की जी। बताएं, समय बताएं। जून 1970 जी। सुबह 6:10। और स्थान जमशेदपुर। क्या सवाल है आपका? उनका कैरियर में कोई ग्रोथ नहीं है, अनन चले हम लोग बहुत बने वीक है और अभी हाल ही उनका हार्ट अटैक हुआ, सीवियर हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्टिक करा है तो। और इतना हम लोग उनके शत्रु एनिमी पीछे पड़े हुए हैं, कुछ समझ में, हम लोग किसी का बिगाड़े नहीं है लेकिन वो लोग क्यों पीछा पड़ा हुआ है कुछ समझ में, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि मिथुन लगन है, मीन राशि बन रही, शुक्र में राहु चल रहा है तो नॉर्मल सी बात है स्वास्थ्य और करियर दोनों में अस्थिरता रहेगी, पारिवारिक मनमुटाव भी रहेगा और परिवार के अंदर में संगठन की कमी कहीं ना कहीं आएगी। इसके लिए बहुत सिंपल से कुछ उपाय हैं कि शुक्रवार के दिन आप सफेद चंदन का टीका लगाएं अपने हस्बैंड को। दूसरे नंबर पर राहु की दशा चल रही है, इसके लिए सतनाजा दान आप करा दीजिए। यदि ये दो उपाय छोटे छोटे करते हैं तो जीवन के अंदर में एक स्थिरता आ जाएगी और जो ये बाधाएं आ रही हैं ये बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। जी हाँ जी, बिल्कुल। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप सबको बताते हैं गुडलक बॉक्स, जो कि हमने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में प्यार बढ़ाने में एक बहुत बड़ी मदद करने वाला है। इसे आपको सही दिशा में भी रखना है और सही दिशा में रखने पर ही गुडलक बॉक्स की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और ये अपना असर दिखाना शुरू करता है। जी हाँ, ये गुडलक बॉक्स, इसमें को आपको पूर्व या उत्तर दिशा, क्योंकि ये जो दोनों दिशाएं होती हैं बहुत श्रेष्ठ मानी जाती हैं, या आपको किसी जिस जगह पूजा स्थान है वहां पर भी रखें,
आपके घर में इस गुडलक बॉक्स को आप रखते हैं, इसके अंदर में सामग्रियां रखते हैं, तो आपकी जो निगेटिव कहेंगे कि नकारात्मक जो ऊर्जा है घर के अंदर में, वो ऊर्जा भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो पुत्र के अंदर में अलग बिखराव आ रहा है, पिता के अंदर में अलग बिखराव आ रहा है, माता का अलग भाव आ रहा है, तो ये हमारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो एक दूसरे के अंदर में एक प्रेम की भावना जागृत होने लगती है। आप प्रत्यक्ष कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आज आप इस गुड लक बॉक्स को रखिए और आज शाम को ही आपको प्रमाण मिल जाएगा। परंतु सारी चीजें श्रद्धा, आस्था और विश्वास और निष्ठा, ये चार स्तंभ होते हैं, पाए हैं। अगर एक भी डाउन होगा, एक भी ढीला होगा, तो स्टैंड नहीं कर सकते, खड़े नहीं रह सकते। तो ये जो चार पाए हैं, श्रद्धा, आस्था, विश्वास और निष्ठा, इसको बनाए रखें तो आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। और चलिए अब आप सबको देते हैं आप सबका सीक्रेट नंबर। जी हां, आज एक नंबर बालों के लिए होगा 11, दो के लिए होगा 73, तीन के लिए होगा 14 और चार के लिए होगा 51, पांच के लिए होगा 61, छह के लिए होगा 73, सात के लिए होगा 23 नंबर और आठ के लिए 35 और नौ के लिए होगा 83 नंबर। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष, नदी या तालाब में इसको विसर्जित करें। परंतु ये ध्यान रखें कि इसको, ये आपका अपना नंबर, इसे सीक्रेट ही रखें, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। जी हाँ, और आप बताते हैं कि माता पिता और संतान के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, सुलह हो जाए इनके बीच की, लेकिन इसके लिए गुडलक बॉक्स का जो आप सहारा ले रहे हैं, गुडलक बॉक्स रखना किस दिशा में है ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन समय समय पर आपको इस बॉक्स का जो है उसको स्पर्श करना है और उसे देखना है। आइए आपको वो समय भी बताते हैं। इस बॉक्स को, ये नहीं कि आप जिस टाइम मर्जी आए उस टाइम इसको स्पर्श करें, इसके लिए एक टाइम निर्धारित होता है। आप प्रातः काल 6 बजे, शाम के 5:30 बजे इस डिब्बी को स्पर्श करें और साथ में अपने ईष्ट देवता का नाम लेना ना भूलें। ईष्ट देवता का स्मरण करेंगे तो ये गुडलक बॉक्स आपके किस्मत की चाबी बन जाएगा और आपके जो बंद किस्मत है वह किस्मत को खोल देगा। 2016 आपके स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, परंतु इसको सही विधि और श्रद्धा और आस्था के साथ में इसको करेंगे तभी आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों में बदलाव आ जाएगा। जी हाँ, और आइए अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में। आपसे हैं हमने, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। आप महिलाएं बिल्कुल 24 घंटे सुरक्षित रहें, इसके लिए लेकर चलिए आज का खास उपाय। जी हाँ, ये खास उपाय हमारी उन माताओं बहनों के लिए है कि जो दिन भर पति का, पुत्री का, पुत्र का, परिवार का, सबका ध्यान रखती परंतु अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो ये उनके लिए है कि 7 लौंग और 1 हल्दी की गांठ किसी पेपर में फोल्ड करके अपने पर्स में रख सकती हैं, पॉकेट में रख सकती हैं, अपने घर में बेडरूम में रख सकती हैं, तो आप रहेंगे सुरक्षित। जी, मुंबई से कविता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी, मेरा नाम कविता है। जी। मेरा कविता जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप।
मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1975 सवेरे 9:30 बजे मुंबई का जन्म है। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरी मम्मी का घर कब बिकेगा? जी देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपकी मकर लगन तुला राशि है, बुध में मंगल चल रहा है, विवाह में ऑलरेडी विलंब हो चुका है जिस तरह से आपकी कुंडली है, और कुंडली में लाभेश में अंगारक दोष होता है तो काम होते होते रुक जा रहा है। एक अंगारक दोष का आपको निवारण कराना चाहिए जिससे आपकी मम्मी का घर भी बिक जाएगा और आपका विवाह भी ये 2016 में हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए कि 5 मंगलवार एक छोटा सा तांबे का लोटा लेकर के उसमें लाल मसूर की दाल भर के और अपने सिर से लगा करके ब्राह्मण को 5 मंगलवार दान करें और बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें तो ये आपके दोनों कार्य सफल हो जाएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ 2016 करेगा कमाल, हमारी एक खास पेशकश आपको जरूर देखनी होगी क्योंकि अभी तो आपको प्रयोग बताए जा रहे हैं लेकिन इसका असली मजा और असली असर जो है 2016 में देखने को मिलेगा क्योंकि 2016 वाकई करने वाला है कमाल। जी हाँ, तो ये हमारी खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। फिलहाल शो में आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भगवती। जी हाँ, और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि नेम और फेम की रेस में बढ़ना चाहते हैं, आगे हासिल करना चाहते हैं शोहरत, तो इसके लिए भी गुड लक बॉक्स करेगा आपकी मदद। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom, at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. आपका साधारण टैंक ने लगातार प्रॉब्लम? तो प्लंबर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, we make sense. वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हुआ चौतरफा हमला अचानक नहीं है। जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के आरोप जो कीर्ति आजाद लगा रहे हैं वो नए नहीं है। आडवाणी गुट की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं सुषमा स्वराज, राजनाथ की तरह ही मोदी शाह के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ ने इनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी? सस्पेंशन ने बीजेपी के भीतर के अंतर कलह को सामने ला दिया।